स्टूडेंट, दिस इज़ ज्योति माहेश्वरी। वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ अन अकेडमी। अन अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे आप मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं और सारी वीडियोस को आप देख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। हम अभी जो सीरीज़ मैंने चला रखी है वो है वोकैबलरी की। और कोई भी एग्ज़ाम अगर आप कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम अगर आप देना चाहते हैं तो वोकैबलरी आपको पता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो इसी सीरीज़ में हम वोकैबलरी को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो पहले हमने इडियम्स और वन वर्ड किए थे। अभी मैं एक आपके लिए रूट वर्ड से रिलेटेड एक अभी मैं वीडियो बना रही हूँ और इसके कम से कम 4 या 5 पार्ट बनाएंगे, जिसमें वी हैव टू लर्न द वर्ड्स, न्यू वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ द रूट वर्ड, कि हाउ हम एक वर्ड को दूसरे वर्ड से हमेशा ऐड कर सकते हैं उसका एक नया मीनिंग बनाने के लिए। और उसका मीनिंग क्या होता है, एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपने बहुत बार देखा होगा, मैंने क्लास में भी बताया कि MB जब भी आता है, MB का मतलब बोथ होता है। ऐसे ही मैं आपको बहुत सारे वर्ड बताऊँगी जिनको देखते ही आप एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चन क्रैक कर पाएंगे। सो गाइज, इस वीडियो को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितने भी इसकी जो मैं वीडियो बनाऊंगी रूट वर्ड से रिलेटेड, सभी वीडियो ज़रूर देखें। हो सके तो अपने नोट्स प्रिपेयर करें। थैंक यू। अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे क्लासेस के टाइमिंग क्या है। डेली 12 बजे मैं स्पेशल क्लास ले रही हूँ संडे को छोड़ के। और मेरा अभी 12 जुलाई से रीड का एक बैच शुरू होने वाला है Language 1 और Language 2 वालों के लिए, तो ये भी आप ज़रूर एनरोल करें जो भी रीड की तैयारी कर रहे हैं। ग्रामर का मेरा आज से Part 2 आ चुका है, एनरोल कर लें। Part 1 में हमने काफ़ी कुछ कर लिया, पार्ट्स ऑफ स्पीच और बेसिक क्लियर कर लिया। अब हमारा आने वाला है Part 2। आज से हम Part 2 स्टार्ट करेंगे। और ग्रामर में मेरी क्लासेस में मैं अभी जो बेसिकली मैं रूल्स करवा रही हूँ कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, जो रूल्स हैं वो करवा रही हूँ। तो 200 या 250 रूल्स कम्प्लीट करने का जो मेरा टारगेट है, और अभी हमने 80 से अबव रूल कर लिए हैं। तो गाइस ज़रूर ज्वाइन करें 6 बजे वाली क्लास। 9 बजे मेरी बिहेवियर की क्लास चल रही है, जिसमें 3 चैप्टर लगभग हम कंप्लीट कर चुके हैं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में। अन अकेडमी को ज्वाइन करने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए अभी आपके ये ऑफर चल रहे हैं, 12 मंथ पे 2 मंथ फ्री, 24 मंथ पे 3 मंथ फ्री। ये आपके फतेह जो स्कॉलरशिप टेस्ट है, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। अन अकेडमी ज्वाइन करने से आपको सारी क्लासेस लाइव मिलती है, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं घर बैठे। और एग्ज़ाम टीचर से आप डाउट क्लियरिंग सेशन भी कर सकते हैं, मतलब हर क्लास 3 क्लास के बाद में 4थी क्लास डाउट क्लियरिंग सेशन की होती है। 3 क्लास में जो भी आपके डाउट्स हैं आप नोट कर लें और अगले दिन क्लास में पूछ लें। सो बहुत सारे फीचर्स हैं अन अकेडमी के। उसके अलावा डिस्काउंट की बात करें तो ये जो आप यहाँ पर फीस देख रहे हैं, जैसे ही आप ज्योति लाइव कोड यूज़ करेंगे, इस फीस में आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। 8400 में डिस्काउंट मिलने के बाद ये फीस रहेगी। तो जल्दी से गाइस ज्वाइन करें प्लस की मेरी क्लासेस देखने के लिए, वहाँ पे हम बहुत अच्छे से पूरा जो कोर्स कवर कर रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है रूट वर्ड्स। रूट वर्ड्स क्या होते हैं गाइस? कोई एक ऐसा वर्ड आपको देंगे या आपके सामने होगा कि उसका मीनिंग आपको पता होगा, उसके साथ जब भी कोई वर्ड लगेगा तो आप मीनिंग क्लियर कर पाएंगे। हम स्टार्ट करते हैं आज फर्स्ट वर्ड से। पहला वर्ड हमारा है THEI। मैं बहुत बार जब आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करवाती हूँ तो मैं बताती हूँ कि आपको वर्ड की गहराई में जाके अलग अलग उसको डिवाइड करना है, उसके सिलेबल को देखना है कि कितने सिलेबल में है वो, रूट वर्ड क्या है इसका, सफिक्स क्या है, प्रीफिक्स क्या है। तो थी जो वर्ड है, रूट वर्ड है, इसका मतलब जब भी होगा तो गॉड या रिलीजन से रिलेटेड होगा। इसका मीनिंग होता है IST अगर इसके साथ लगा दें तो वो इसका फॉलोअर हो जाता है। जैसे कि थी है, गॉड है, और थी के साथ IST लगा दिया तो गॉड का फॉलोअर। गाइस बहुत इंटरेस्टिंग क्लास रहने वाली है। इस क्लास के बाद आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, वोकैबुलरी में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यू विल बी इजिली एबल टू टिक द आंसर, टू राइट द आंसर। थीस्ट का मतलब यहाँ पर हो गया गॉड में बिलीव करने वाला। अगर मैंने इसके आगे अ लगा दिया, थी लगा दिया, IST लगा दिया तो जो गॉड में बिलीव नहीं करता। अगर मोनो लगा दिया तो मोनो का सिंगल हो गया, थी का रिलीजियन हो गया, ईस्ट जो नहीं करता फॉलो। तो मोनो का मतलब एक, जो एक को एक को एक ही गॉड में बिलीव करता हूँ। तो आप जब अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे, अलग अलग पार्ट के मीनिंग निकालेंगे तो बड़े ही इजीली से आप कर पाएंगे।
जैसे मैंने यहाँ बताया, मोनो मतलब एक होता है, थी मतलब गॉड होता है, ईस्ट मतलब फॉलो करने वाला, तो जो एक ही गॉड को फॉलो करे, ठीक है। तो इस तरह से आप करते जाएं, अभी मैं आपको बताती जा रही हूँ, साथ साथ में आप वो चीज़ें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आप PDF आपको अवेलेबल हो जाएगी। और साथ ही में हाँ, वैसे लिख भी सकते हैं आप अपने वन वर्ड, RS के स्टूडेंट्स को तो लिखना है, दूसरे स्टूडेंट तो ओनली सुन लेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि टिक करना होता है। RS स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की आदत डालनी चाहिए। फिर ये थीस्ट हो गया। थीस्ट के बाद में आपने आपको जो याद करना है वो याद करना है कि भगवान, गॉड या रिलीजियन, इसका मीनिंग निकलेगा अकॉर्डिंगली, आप वर्ड देख लेंगे। आपने पहला देखा कि IST क्या होता है, फॉलोअर होता है, तो जहाँ जहाँ IST है उसका मीनिंग तो आप फॉलोअर निकाल लें। ये देखो सारे फॉलोअर हो गए। तो ये तो हो गया गॉड को मानने वाला, गॉड को ना मानने वाला, एक गॉड को मानने वाला, पोली मतलब बहुत सारे गॉड को मानने वाला। उसके बाद में पैंथिस्ट होता है, पैन मीन्स ऑल ओवर, सो पैंथिस्ट वन हु बिलीव ऑल गॉड्स, सभी धर्मों के सभी भगवान को मानने वाला पैंथिस्ट, ठीक है गाइस। आगे चलते हैं, थीस्ट से वर्ड हो गए। अब एक चीज़ और बता देती हूँ मैं आपको, आगे भी आएंगे, लेकिन थी जब भी किसी के साथ लगेगा, थियोलॉजी हो जाएगा, तो लॉजी का अलग मीनिंग निकालेंगे, थियो का अलग निकालेंगे, तो वहाँ आपको रिलीजियन मीनिंग याद रखना है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट इज लॉजी। अब यहाँ पे भी मैंने ये बात आपको बताई थी, थियो आ गया और लॉजी आ गया। थी आप ऑलरेडी कर चुके हैं कि रिलीजन होता है, लॉजी का मतलब हम यहाँ देखते हैं, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, तो लॉजी जब भी आएगा उसका मीनिंग होगा स्टडी, तो थियोलॉजी। सो यहाँ पर हम लॉजी से रिलेटेड क्या देख रहे हैं, थियोलॉजी। तो थियो मतलब ये, थियो तो आपका हो गया गॉड और लॉजी हो गया स्टडी, तो जब भी धर्म से रिलेटेड स्टडी ऑफ रिलीजन की जाती है तो थियोलॉजी हो जाता है। एंथ्रो वर्ड याद कर लेंगे, लॉजी अलग याद कर लेंगे। तो एंथ्रोप क्या होता है, एंथ्रोप का मीनिंग क्या होता है, एंथ्रोप का मीनिंग होता है ह्यूमन बीइंग, तो एंथ्रोलॉजी लॉजी अलग कर देंगे, मीन स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग, जब मानवता की स्टडी की जाए, ह्यूमन बीइंग की स्टडी की जाए, तो एंथ्रोपलॉजी हो गया वो। फिर है मॉर्फोलॉजी, मॉर्फ वर्ड को याद रखेंगे, मॉर्फ का मतलब होता है स्ट्रक्चर, तो जब किसी भी स्ट्रक्चर की स्टडी की जाए, जैसे कि कोई वर्ड है उस वर्ड के स्ट्रक्चर की स्टडी करना, तो मॉर्फोलॉजी होता है। फिर एंथ्रोप, एंथ्रोप मॉर्फिज्म, एंथ्रोप प्लस मॉर्फ प्लस इज्म, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ह्यूमन स्ट्रक्चर की गॉड के प्रति, गॉड को कैसे, व्हाट इज़ द वे फॉर ह्यूमन टू गॉड, है ना, मोक्ष की या ऐसे कुछ स्टडी। जू मॉर्फिज्म, जू जेडो जू एनिमल को ले लेंगे, मॉर्फ स्ट्रक्चर ले लेंगे, इज्म यहाँ हो जाएगा एनिमल स्ट्रक्चर टू गॉड। अमॉर्फिक, अमॉर्फिक मतलब इट्स अ प्लस मॉर्फ, नो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, तो जब हम किसी चीज़ की बात करते हैं स्ट्रक्चर से रिलेटेड, स्ट्रक्चर में अगर मानवता से रिलेटेड, जू से रिलेटेड, नो स्ट्रक्चर, तीनों वर्ड याद कर लेना। यहाँ पर ये जो बताए जा रहे हैं, ये आपको पर्टिकुलर वर्ड के मीनिंग बताए जा रहे हैं, इनसे बहुत सारे वर्ड बनते हैं, ये तो सिर्फ एक एक एग्जाम्पल दिए गए हैं, जूलॉजी, साइकोलॉजी, बायोलॉजी, लॉजी से बहुत वर्ड बनते हैं, पहले वाली वीडियो मेरी वन वर्ड की देख लेना। फोबिया, फोबिया का मतलब होता है किसी चीज़ का फियर या किसी चीज़ से हेट, किसी चीज़ से नफरत, दैट इज़ कॉल्ड फोबिया, नफरत और डर। तो फोबिया, जैसे कि अगर जू फोबिया है तो जू का मीनिंग एनिमल हो गया, एनिमल से डर। एंड्रो है, एंड्रो का मीनिंग क्या होता है, बॉयज़, तो मेल से जो हेट होता है, मेल से जो डर होता है। गायनो मतलब किसी को गर्ल से हेट होता है, गर्ल को डिसलाइक करते हैं, है ना, तो वो हो गया। पैडो मतलब जो चाइल्ड को अच्छा, चाइल्ड को पसंद नहीं करते। डेमो मतलब जो लोगों से, लोगों की भीड़ से, पब्लिक सामने, लोगों के सामने बोलने से डरते हैं, डेमोफोबिया। तो फोबिया के बहुत सारे वर्ड है, लेकिन आपको मेरा मेन मकसद है ये बताने का कि फोबिया आ जाता है डर। अब जब पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हम इसको इस तरह से याद करेंगे, जैसे कि एंथ्रो, एंथ्रोप का मतलब मैंने पहले भी बताया था, मानव, ह्यूमन बीइंग, तो एंथ्रोप का मतलब ह्यूमन बीइंग है, एंथ्रोफोबिया मतलब फियर ऑफ ह्यूमन बीइंग, वन हु डोंट लाइक द कंपनी ऑफ ह्यूमन बीइंग, और इन सिंपल वर्ड अलूव, अकेला रहना पसंद करता है। फिर
फिर है थियोफोबिया, थी हो गया धर्म, तो जो रिलीजन से जिसको डर लगता है, फियर ऑफ रिलीजन। तो ऐसे बहुत सारे फोबिया है, आपको फोबिया वर्ड का मीनिंग पता है, और अगर इधर वाले वर्ड का मीनिंग पता है तो आप जोड़ के कनेक्ट करके मीनिंग बता सकते हैं। जब आप इस पूरी पूरी की पूरी पीडीएफ के थ्रू पढ़ लेंगे ना, पूरी कंप्लीट जितने मैंने पेजेस इसके बनाए हैं, एट द एंड ऑफ द डे आपको बहुत इम्प्रूव दिखेगा आपकी वोकेबलरी में। आप क्वेश्चन सोल्व करके देखना तो आपको पता लग जाएगा। फिर आगे है क्रेसी। क्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट या फिर कोई सिस्टम। तो जब आप डेमो का मतलब हम हमेशा किससे लेते हैं, डेमो मतलब पीपल, तो जब लोगों की गवर्नमेंट होती है तो डेमोक्रेसी। ओटो का मतलब क्या होता है, ओटो मतलब जिसमें किंगशिप किसी राजा की या किसी एक व्यक्ति की चलती है। तो पर्सन जो वन पर्सन रूल करता है, तो गवर्नमेंट ऑफ वन पर्सन या ऑटोक्रेसी। थियो मतलब जिसमें धर्म, विश्व मंदिर वाले जो पुजारी पादरी इन सब की चलती है, तो वो हो गया थियोक्रेसी, इनकी गवर्नमेंट होती है। तो क्रेसी का मतलब गवर्नमेंट। प्लूटो, प्लूटो का मतलब होता है वेल्दी, प्लूटो मतलब होता है वेल्दी। तो प्लूटोक्रेसी का मतलब क्या हुआ कि जब वेल्दी पीपल, जैसे कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई जैसे मान लो हम कह दें अंबानीज है, इनकी कोई गवर्नमेंट होती है, तो प्लूटोक्रेसी। अलग अलग कंट्री में होती है, हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी है, ठीक है। अलग अलग कंट्री में अलग अलग गवर्नमेंट होती है, इसलिए सारे वर्ड्स दिए हुए हैं, हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी है। फिर है ओलिगो। ओलिगो का मतलब होता है कुछ फ्यू, तो जब कुछ ही लोगों की गवर्नमेंट होती है। मोनो सॉरी मोनार्की, सॉरी मोनार्की का मतलब होता है मोनार्क। मोनार्क मतलब होता है टॉप ऑफिशियल, जैसे कोई किंग है, कोई राजा है, किसी राजा का रूल चलता है। एनार्की, एनार्की मतलब कोई रूल ही नहीं है, जहाँ पर कोई भी रूल नहीं है, मार काट हिंसा क्या कानून कुछ भी नहीं है, लॉलेसनेस है, एनार्की होता है ना। देर इज एनार्की इन द वर्ल्ड, जब कोई भी देखने वाला नहीं है, सत्ता किसी के हाथ में भी नहीं है, एनार्की होता है। फिर है गैरेंटोक्रेसी। गैरोन का मतलब होता है बूढ़े या एज या एक्सपीरियंस, तो जब ओल्ड पीपल की गवर्नमेंट होती है, गैरेंटोक्रेसी। मेरिटोक्रेसी, मेरिटो का मतलब होता है परफॉर्मेंस, सो मेरिटोक्रेसी का मतलब होता है व्हेन पोजीशन आर डिसाइडेड बाय परफॉर्मेंस, कि जब परफॉर्मेंस बेस्ड पे गवर्नमेंट डिसाइड की जाए। क्लेप्टोक्रेसी होता है चोर, तो चोरों की सरकार। तो अलग अलग वर्ड्स है ये, क्लेप्टो मेरिटो गारंटो और अनार्की मोनार्की ओलिगो प्लूटो थियो ओटो डेमोक्रेसी ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरो का मतलब होता है टॉप ऑफिशियल्स, तो जो गवर्नमेंट जब ऑफिशियल्स की हो, तो नौकरशाही जिसे हम बोलते हैं। अरिस्टोक्रेसी, जब नोबल लोगों की गवर्नमेंट होती है, नोबल फैमिलीज की, जैसे कोई फैमिलीज होती हैं, जैसे हमारे टाइम में पहले मान सिंह और ये सब आमिर घराने के, या फिर चौहान घरा, अलग अलग जो नोबल्स होते हैं उनका। फिर आगे है वर्ड हमारा सोमनिया। सोमनिया, सोमनिया स्लीपलेस, स्लीपनेस, यानी कि जब आपको स्लीपनेस का मतलब यहाँ पर है मीन्स लैक ऑफ स्लीप, तो जब नींद नहीं आए तो उसमें हम इन लगा देंगे सोमनिया के साथ। जैसे कि आपने सोमनिया का मतलब देख लिया कि स्लीपनेस होता है, इन लगाने से स्लीप ना आना, तो नींद ना आने की बीमारी इनसोमनिया। फिर सोमनी का मतलब वापस नींद हो गया। फेरस का मतलब हो गया, फेरस मीन्स थिंग्स कॉजिंग समथिंग, सो सोमनी फेरस आर द थिंग्स दैट कॉज स्लीप लाइक पिल्स, है ना। तो फेरस मतलब जो नींद आने का कारण हो, तो सोमनी फेरस आर द थिंग्स दैट कॉज स्लीप लाइक पिल्स, तो नींद की जो दवाई होती है उससे रिलेटेड सोमनी फेरस। सोमनैम्ब्यूलिस्ट, सोम मतलब नींद, एम और ब्यूलिस्ट का मतलब ज़्यादा बोलने वाला, एम्बू मीन्स वॉक, और हाँ सॉरी सॉरी, सोम लोक्यूस्ट नहीं है ये, सोम नैम्ब्यूलिस्ट है। सोम नैम्ब्यूलिस्ट में हम इसको सोम को वर्ड को याद रख लेंगे नींद से, और एम को मतलब याद रख लेंगे वो चलने से, और वो हो गया ईस्ट मतलब वाला, है ना। ईस्ट जब भी होगा वाला, तो नींद में चलने वाला, जो नींद में चलता है, वॉक इन स्लीप, हु इज़ वॉकिंग इन स्लीप, जिसको आदत पड़ जाती है नींद में चलने की, वो सोम नैम्ब्यूलिस्ट होता है। ओके, फिर आगे मैं वो सोम लोक्यूस्ट बता रही थी, आगे बताती हूँ। फिर है एम्ब्यूलेंट। एम्ब्यूलेंट्स मतलब मीन्स थिंग्स एबल टू वॉक,
थिंग्स एबल टू वॉक। एम्ब का मतलब यहाँ पर साथ के साथ ही दिया है आपका, एम का मतलब वॉक। तो आई एम वर्ड भी याद करो, जितने वर्ड मैं बताती जा रही हूँ ध्यान में रखते हुए याद करो। फिर जो नींद की बात कर रहे थे हम, सोमनी, सोमनी और लोकिस्ट, लोकिस्ट बोलने वाला होता है और सोमनी मतलब नींद। तो जो नींद में बोलना, बोलने की बीमारी होती है, नींद में बोलने की बीमारी सोमनी, सोमनी लोकिस्ट, ठीक है, सोमनी लोकिस्ट। तो हमने किया ना आने की बीमारी, नींद ना आने की बीमारी, नींद में चलने की बीमारी, नींद में बोलने की बीमारी, नींद की दवाई, और एक हो गया आपका एम्बुलेंट। तो एम्बुलेंट का मतलब होता है मीन्स थिंग्स एबल टू वॉक, ऐसी चीज़ें चल सकती है। CIOUS का मतलब होता है डू समथिंग। लोकेशियस अगर मैंने बोला तो लोकेशियस का मतलब होता है वन हु टॉक्स अलोट, ठीक है, जिसको बात करने का शौक हो। वोरेसियस, वोरेसियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खाना, वो ठूस ठूस के खाना, है ना, वन हु ईट्स अ लॉट। एवरेसियस का मतलब होता है जो लालची होता है। पग्नेंसियस का मतलब होता है जो झगड़ालू होता है। मतलब यहाँ पर पर्सन नहीं है, ये ध्यान रखना, है तो नाउन ही लेकिन करना, समथिंग टू डू समथिंग करना है इसका मतलब। पग्नेशियस, एवरेसियस, वोरेसियस, लोकेशियस। नेक्स्ट इज CIDE। CID का मतलब होता है किल, किल मतलब मर्डर करना। तो एक तो होता है मर्डर करना, CIDE होता है मर्डर। तो मर्डर चाहे हम खुद का करें, मर्डर चाहे हम जम्स का करें, मर्डर चाहे हम पिता का, माता का, भाई का, बहन का, सबके मर्डर के लिए वर्ड है। तो हम स्टार्ट करते हैं इन्फेंटिसाइड। इन्फेंटिसाइड का मतलब जब छोटे बच्चे को मार दिया जाता है, शिशु को, तो वो हो गया इन्फेंटिसाइड। युगजोरीसाइड, तो आप युगजोर वर्ड का मीनिंग याद रखेंगे, वाइफ की हत्या। मैरिटसाइड, मैरिटीसाइड का आप मैरिट वर्ड याद रख लेंगे, हस्बैंड। फिर पैट्रीसाइड, पैट्री का मतलब होता है फादर। मैट्रीसाइड, मैट्री और मैरिटी में कन्फ्यूज़ नहीं होना, ये है मैरिटी, ठीक है, मैरिटीसाइड, और ये है मैट्री, मैट्री पैट्री, पैट्री मतलब पिता, मैट्री मतलब माता। तो ये वर्ड्स आप साइड लगाते जाओ और उनका मर्डर मतलब बनता जाएगा मीनिंग। मैट्री का मतलब हो गया मदर, तो अ पर्सन हु मर्डर दे, अ पर्सन आ रहा है तो हीज लगा देते हैं, हिज मदर। फैट्री साइड, फैट्री मतलब होता है भाई, तो भाई की हत्या, भाई की हत्या, माता की हत्या, पिता की हत्या, पति की हत्या, पत्नी की हत्या, शिशु की हत्या। ऐसे ही इतने वर्ड्स नहीं हैं, वर्ड्स और भी हैं, बट आपको जो मीनिंग बताने का मेन रीज़न है कि साइड क्या होता है। ऐसे तो सुसाइड भी हो गया, है ना, सुसाइड भी हो गया, सेल्फ की हत्या, खुद की हत्या। उसके बाद में इन्फोर्टिसाइड भी होता है, भ्रूण हत्या, इन्फोर्टिसाइड भी होता है, तो गैरनोसाइड। तो सारे आपको वन वर्ड में मिल जाएंगे, मेरी और भी फाइल्स आएगी, लेकिन यहाँ पर आप बेसिक अपना जो मीनिंग है वो क्लियर करें, यहाँ पर अपना बेस साउंड करें आप। नेक्स्ट इज एम्ब्यूल, हमने पीछे भी पढ़ा था एम्ब्यूल, यहाँ पर एम्ब किया था वर्ड, तो उसका मतलब होता है वॉक या मूव। तो एम्बल का मतलब टू वॉक इन अ स्लो रिलैक्स्ड वे, अगर आप एम्बल वर्ड देखते हैं तो धीरे धीरे चलना। एम्बुलेंट का मतलब सिर्फ चलना, एम्बुलेंस का मतलब व्हीकल जो चलता है पेशेंट के लिए, तो इसलिए एम्बुलेंस होता है। तो आपने कभी सोचा है एम्बुलेंस वर्ड क्यों है, क्योंकि उसमें एम्ब्यू वर्ड जुड़ा हुआ है, एम्ब्यू का मतलब मूव करने वाला, ओके। फिर है एनिम, एनिम का मतलब होता है लाइफ, स्पिरिट, एनिमल, लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो एनिम, एनिम आगे चाहे जो भी है, लेकिन एनिम का मतलब हो गया लाइफ, तो एनिम का हो गया एनिमेट, हम वर्ड बोलते हैं टू मेक अ लाइफ, किस चीज़ को जिंदा करना, किस चीज़ में जिंदा दिली होना, लिविंग ऑर्गेनिज्म एनिमल। फिर है इक्वेनिमिटी, बैलेंस स्पिरिट, ऑफ बैलेंस स्पिरिट इक्वेनिमिटी, तो एनिम वर्ड हो गया। एंटी, आज जितने वर्ड लर्न कर रहे हो उनको ऐसे शॉर्ट में लिख लो कि आज हमने लर्न किया थी, थी का मतलब हम करेंगे रिलेटेड टू रिलीजियन। फिर हमने वर्ड किया लोजी, अगर लोजी वर्ड आ जाता है तो स्टडी, बहुत सारे वर्ड्स आपको पता है लेकिन इट्स जस्ट रिवीजन। लेकिन हमें क्या है कि बार बार चीज़ों को अलग अलग तरीके से पढ़ना चाहिए ताकि अच्छे से याद हो जाए। फिर आप यहाँ पे देखेंगे कि मैंने सोमनी वर्ड किया, तो जब भी सोमनी वर्ड किसी से आता है तो पक्का नींद से रिलेटेड कोई बात होगी। फिर आप देखेंगे कि मैंने एम्ब्यू वर्ड किया, तो एम्ब्यू चलना से रिलेटेड बात होगी।
ऐसे जब वर्ड्स को आप करेंगे तो आपकी वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आगे आता है एंटी। एंटी का मतलब होता है किसी चीज़ का विपरीत, अपोजिट। हम कहते हैं ना एंटी पार्टी, एंटी सोशल एलिमेंट, एंटीबॉडी। तो जब कोई माइक्रो सब्सटेंस दैट डिस्ट्रॉयज माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो वो होते हैं एंटीबॉडी। जैसे आपने कोरोना में भी देखा होगा ना, एंटीबॉडीज़ चाहिए होती है कोरोना जैसे वायरस से लड़ने के लिए। तो इसका मतलब लड़ना मतलब डिस्ट्रॉय करने वाले सब्सटेंस। फिर एंटीसेप्टिक क्या होता है, जो किसी, यहाँ भी एंटी हो गया, अपोजिट हो गया, तो जो इन्फेक्शन के अपोजिट हो यानी कि इन्फेक्शन को रोके। एंटी सोशल क्या होता है, जो सोसाइटी के कानून के नियमों के अपोजिट हो। तो एंटी जब भी लग गया तो वो अपोजिट हो जाएगा, वो विपरीत हो जाएगा। ARBOUR, आर्बर का मतलब होता है ट्री। तो जब भी किसी के साथ लग जाए आर्बर तो उसमें ट्री वर्ड तो होगा ही होगा। तो आर्बरिस्ट जैसे है, ईस्ट का मीनिंग जैसे मैंने बताया था करने वाला, तो समवन वर्किंग विद ट्रीज़ है ना, जो ट्रीज़ के साथ काम करता हो। ट्रीज़ के साथ काम करना मतलब ट्रीज़ पे कुछ भी करना, ट्रीज़ ट्रीज़ पे कार्विंग करना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आर्बर होता है शेडी एरिया फॉर्म्ड बाय ट्री। आर्बर किसे कहते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि किसी जगह बहुत सारे पेड़ होते हैं, इधर से भी होते हैं, इधर से भी होते हैं, तो पेड़ों से घिरी हुई जगह को आर्बर कहते हैं। छाया होती है ना जब पेड़ों के कारण, उस छाया को वाले एरिया को आर्बर कहते हैं। आर्बरस क्या होता है, बहुत ज़्यादा ट्री होना आर्बरस होता है। दैट एरिया इज़ आर्बरस, मतलब पेड़ ही पेड़ है वहाँ पर। तो आर्बर का मतलब ट्री हो गया, आप इसको लिख लेना। ऑटो, ऑटो सेल्फ के लिए आता है, जैसे कि ऑटोमेटिक बोलते हैं हम, सेल्फ गवर्नमेंट, ऑटोनॉमी बोलते हैं हम, ऑटोक्रेसी बोलते हैं, स्वायत्त बोलते हैं ऑटोनॉमी और ऑटोक्रेसी, जब किसी एक की गवर्नमेंट होती है। तो अभी हम ऑटो वर्ड का मतलब समझ चुके हैं, सेल्फ या सेम या वन, ठीक है। तो ऑटोक्रैट, अ पर्सन हु गवर्न्स विद एब्सोल्यूट पावर, एक ही व्यक्ति के पास पावर होती है। हमारे जो वर्ल्ड है उसमें बहुत जगह आप देखेंगे जहाँ पर किसी में एक की गवर्नमेंट होती है, किसी में पब्लिक की गवर्नमेंट होती है, तो ऐसे अलग अलग गवर्नमेंट होती है। तो जहाँ एब्सोल्यूट, सिर्फ पूर्ण सरकार किसकी होती है, एक व्यक्ति की होती है, तो वो ऑटोक्रेट होते हैं। ऑटोग्राफ, जबकि आपके सिग्नेचर, एक पर्सन यानी कि सेल्फ, आपके सिग्नेचर की बात की जाए। ऑटोमेटिक, जो अपने आप ही मूव करे। तो सेल्फ और सेम या फिर वन, तीनों मीनिंग होते हैं। बैने, BENA, जैसे MAL हम करेंगे आगे नेगेटिव मीनिंग देता है, ऐसे ही BENE पॉजिटिव मीनिंग देता है, यानी कि इसका होगा गुड, वेल, अच्छा। तो जब आप किसी के साथ बैने लगा देते हैं तो उसका मीनिंग लगभग अच्छा ही बनेगा। तो गाइज, अगर आप इस तरह से लर्न कर रहे हैं और आपके एग्जाम में चार ऑप्शन आते हैं तो 100% 50-50 तो वैसे ही काट देंगे आप, क्योंकि आपको बैने का मीनिंग पता है। तो आप कोई दो नेगेटिव वर्ड तो वैसे ही काट देंगे। फिर दो में आप कर सकते हैं अगर आपने तैयारी की हुई है। तो जैसे बेनिफैक्टर है, पर्सन हु गिव्स मनी टू अ कोज, भला करने वाला। तो ऐसा पर्सन जो किसी कारण से किसी के भले के लिए मनी देता है, तो बैने मतलब अच्छा हो गया ना। फिर बेनिफिशियल, वही गुड इफेक्ट होना किस चीज़ का। बेनेवोलेंट, जो काइंडनेस और गुडविल दिखाता है, दया करने वाला। नेक्स्ट इज CATA, कैटा। कैटा मतलब डाउन, या फिर कैटा का हम कहते हैं अगेंस्ट, कंप्लीटली, इंटेंसिव, अकॉर्डिंग टू। कैटा, कैटा का मतलब हम क्या कहेंगे, किसी चीज़ को डाउन करना। ओके, किसी चीज़ को कंप्लीटली इंटेंसिव अकॉर्डिंग टू, जैसे कि कैटास्ट्रोफे। कैटास्ट्रोफे होता है जैसे कि किसी चीज़ में बिल्कुल डिजास्टर ला देना, किसी के भाग्य में डिजास्टर ला देना। कैटास्ट्रोफे, हम किसी ट्रेजेडी की भी बात करते हैं, कोई मूवी, कोई प्ले है, उसको उसका अंत जो होता है, एंड जो होता है, वो जिसमें डेथ हो जाती है, वो कैटास्ट्रोफे होता है। कैटलॉग होता है किसी चीज़ की लिस्टिंग, तो ऊपर से नीचे डाउन की तरफ को हम कहते हैं कैटा। और कैटालिज्म होता है फ्लड और अदर डिजास्टर, कैटाक्लिज्म, सॉरी। और ऐसे ही कैटलिस्ट भी होता है, जो किसी चीज़ के प्रभाव, किसी चीज़ पे प्रभाव डालता है खुद चेंज हुए बिना। तो कैटा का मतलब आप डाउन या अंगेस्ट, इंटेंसिव, किसी चीज़ पे गहरा प्रभाव डालना, वो भी होगा इंटेंसिव। फिर आगे हैं CERT। CERT का मतलब होता है श्योर, जैसे असर्टेन, ओनली सर्टेन, सर्ट मतलब सर्टेन, निश्चित। तो जो चीज़ निश्चित होती है, ब्रिंग एब्सोल्यूटली श्योर,
निश्चित होती है, सर्टेन, टू फाइंड समथिंग विथ सर्टेनिटी एज सर्टेन, तो वो हो गया सर्टेन, निश्चित। 20 तक आज हम कर लेते हैं, बहुत सारे हैं मेरे पास, बट हम पार्ट बाई पार्ट करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स का कहना है कि मैम छोटी छोटी वीडियो बनाओ तो हमारे से याद हो जाएगी, तो मैं 30-30 मिनट्स की वीडियो बनाऊंगी अभी, क्योंकि पहले मैंने 2-3 वीडियो आपको 50 मिनट के आसपास दी थी, तो वो अगर आपको लॉन्ग लग रही है, तो आज आपको जैसे 20 वर्ड्स किए हैं, तो 20 सिर्फ इतने ही लिखने हैं आपको कि सरकम, सरकम का मीनिंग होता है चारों ओर, बस, तो 20 वर्ड्स ही लिखने पड़ेंगे आपको। कैटा, कैटा का मीनिंग होता है प्रभाव डाल के डाउन करना किस चीज़ को, है ना, प्रभाव डाल के नीचा करना। तो इस तरह से आप अपने वर्ड, अपने नोट्स बनाते जाएं। तो सरकम, सरकमस्टेंसेस जब हम बोलते हैं, स्थितियां चारों तरफ की, है ना, सरकम नेविगेट टू सेल अराउंड, अराउंड चारों ओर, सरकमस्क्राइब टू ड्रॉ अराउंड, सरकमस्पेक्ट लुकिंग अराउंड, सरकमवेंट टू गो अराउंड। तो जब आप नेविगेट होता है तो सेल मतलब पानी में चारों तरफ नेविगेट करना, ऐसे घूमना पानी में, ड्रॉ अराउंड, लुकिंग अराउंड, सरकमस्पेक्ट, स्पेक्ट का मतलब होता है स्पेक्ट करना, निरीक्षण करना, तो लुक हो गया यहाँ से, स्क्राइब का मतलब ड्रॉ हो गया, वेंट का मतलब गो हो गया। तो ये वर्ड आप याद कर ले, सरकम वर्ड आपको याद ही है। फिर है क्लैर, क्लैर का मतलब हम बोलते हैं ना क्लैरिफाई, क्लैरिफिकेशन, तो वहाँ पर क्लैर क्लियर होता है, क्लैर क्लियर होता है। कई बार स्टूडेंट्स क्लैरिफाई को ऐसे लिख देते हैं क्लैरिफाई, एक्चुअली इट्स नॉट क्लैरिफाई, इट्स क्लैरिफाई, क्लैरिफाई का मीनिंग ही क्लियर होता है, इसलिए क्लैरिफिकेशन, नो एन एक्सप्लेनेशन, क्लैरिफाई मेक समथिंग क्लियर, विश किसी चीज़ को सही एकदम स्ट्रेट करना, साफ साफ बताना, तो क्लैरी हो गया, आई डोंट नीड एनी क्लैरिफिकेशन, तो उसको क्लियरिफिकेशन लिख देते हैं स्पेलिंग में, तो इससे आपकी स्पेलिंग में इम्प्रूव होगा। क्लाइन का मतलब होता है झुकाव, जैसे हम कहते हैं ना इनक्लाइंड, ही वॉज इनक्लाइंड, तो इन प्लस क्लाइन झुका हुआ, जैसे इंक्लिनेशन, अ लीनिंग टूवर्ड, झुकाव, है ना, केंद्र की तरफ झुकाव गवर्नमेंट का, तो हम ऐसे कह सकते हैं इंक्लिनेशन। इंक्लाइन अ सरफेस दैट स्लोप्स और लीन्स, रेक्लाइन मतलब टू लीन बैक और रिलैक्स, जैसे हम बोलते हैं रेक्लाइन सोफ़ा, मतलब पीछे की तरफ आप आराम से रेस्ट करो, जो पीछे की तरफ झुकता हो, रेक्लाइन। काउंटर अपोजिट होता है, कॉन्ट्रेरी होता है, काउंटर अटैक, काउंटर एक्ट, काउंटर मैंड, काउंटर ऑफेंसिव। तो जब किसी चीज़ के इफ़ेक्ट को, एक्शन को, किस चीज़ का इफ़ेक्ट होने वाला है और उस इफ़ेक्ट पे प्रभाव डाल दिया जाए अपोजिट, तो काउंटर एक्ट हो जाएगा। किसी चीज़ पे एक्शन लिया और उस पे अंगेंस्ट एक्शन लेना काउंटर एक्ट होता है। काउंटर मैंड होता है टू कैंसिल अ प्रीवियस ऑर्डर, पहले का ऑर्डर कैंसिल करना। काउंटर ऑफेंसिव होता है अटैक अगेंस्ट, कोई अगर अटैक हुआ है तो उस, कोई अगर अटैक हुआ है तो वापस उस पर अटैक करना, अटैक पे अटैक, काउंटर ऑफेंसिव, अटैक पे अटैक, काउंटर ऑफेंसिव, काउंटर मैन। तो काउंटर के बहुत सारे वर्ड हैं, ये मेरी तरफ से सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल्स हैं, ऐसा नहीं है कि इन स्लाइड्स में मैं दुनिया भर के वर्ड लिख दूंगी, नहीं, आपको मीनिंग पता लग गया, काउंटर क्या होता है, काउंटर फीट, ऐसे वर्ड आते जाएंगे आपके सामने, आप देख लेना, आपको काउंटर मतलब पता है, दूसरा वर्ड मतलब पता है, तो आप मिला के आप मीनिंग कर लोगे। नेक्स्ट इज 20th वर्ड, आज का लास्ट वर्ड है क्रैनियो। क्रैनियो का मतलब होता है स्कल, क्रैनियोलॉजी स्टडी ऑफ स्कल, और क्रैनियम स्कल ऑफ वर्टेब्रट्स, क्रैनियल पर्टेनिंग टू द स्कल, तो जो खोपड़ी से रिलेटेड जो भी बातें आती है स्कल से रिलेटेड, वो क्रैनियो आएगा। तो हमने क्रैनियो आप लिख लेना स्कल, काउंटर लिख लेना किस चीज़ के विपरीत, अपोजिंग, क्लाइन झुकाव, क्लैर सफाई, क्लियर सरकम चारों तरफ, सर्ट श्योर, कैटा नीचे की तरफ डाउन की तरफ ले जाना, बैने गुड अच्छा, ऑटो एक, सवायस सेल्फ, आर्बर पेड़ ट्री, एंटी को कहते हैं अपोजिट अंगेंस्ट, एनिम, एनिम मतलब होता है लाइफ स्पिरिट, एम्ब्यूल वॉक मूव, एम्ब्यूल के बाद में साइड किसी की, किल या मर्डर से रिलेटेड होता है, सी एस मतलब कुछ करना टू डू समथिंग, सी एस हो गया, उसके बाद में सोमनिया स्लीप से रिलेटेड है, फिर उसके बाद में क्रेसी गवर्नमेंट से रिलेटेड है क्रेसी वर्ड, उसके बाद में हमारा आ गया था पहले फोबिया जो कि डर से रिलेटेड है फोबिया, लॉजी स्टडी से रिलेटेड है, और थी गॉड से रिलेटेड है। तो इस तरह से हमने 20 वर्ड्स कर लिए हैं, इन 20 वर्ड्स के मीनिंग आप लिख लेना, और इनसे बनने वाले वर्ड के एक दो एग्जांपल लिख सकते हो, बाकी आप लिख नहीं पाओगे क्योंकि बहुत सारे वर्ड बनते हैं, लेकिन
जितने मैंने करवाए हैं ये तो आपको याद करने ही हैं, इसके साथ आपको और पता है तो आप और ऐड करते जाना। जब भी कोई वर्ड आपके सामने आता है जैसे कि काउंटर से रिलेटेड, तो आप इस लिस्ट में ऐड करते जाएँ और इस तरह से आप अपनी वोकैबुलरी बहुत अच्छी कर सकते हैं। आगे 21 से लेकर नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप अनअकैडमी ज्वाइन करने के लिए मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं ज्योति लाइव और 10% डिस्काउंट आपको मिल सकता है। 1 जुलाई से मेरा 6 बजे इंग्लिश ग्रामर का सेकेंड पार्ट शुरू हो रहा है और 12 जुलाई से रीट वालों के लिए क्लास शुरू हो रही है। तो सभी स्टूडेंट जल्दी से ज्वाइन करें क्योंकि आपको पता है एग्ज़ाम्स आर वेरी नियर, तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट रखें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।